अगला क्वेश्चन तो ये है, इफ यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर पाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, सो दैट डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, डे यू बाई डेल एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो डे यू बाई डेल एक्स, तो यू को पार्शली डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स है। एक्स यहाँ पे है तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो टू एक्स और वाई तो कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा, और यहाँ पे वाई जेड है, वाई जेड तो कांस्टेंट है तो उनका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स है तो सिंपली क्या बचेगा, जेड स्क्वायर। फिर क्या, डे यू बाई डेल वाई निकालो वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई जेड बचेगा और यहाँ पे जीरो हो जाएगा। डे यू बाई डेल जेड निकालो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ वाई स्क्वायर और यहाँ पे टू जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, सबको सम करोगे तो क्या मिलेगा आपको, डे यू बाई डेल एक्स प्लस डे यू बाई डेल वाई प्लस डे यू बाई डेल जेड मिलेगा। माने कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये और ये हो गया, फिर क्या है, प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स मिलेगा। और यही क्या होता है, यही हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वही हमको निकालना था, नोट करो।